ऐसा डिफरेंशिएट करूँगा कि कभी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलजार अहमद एंड वेलकम बैक टू क्रॉन ऑनलाइन CBSE। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। इंटीग्रेशन दो तरह का होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इस वीडियो में हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, मतलब डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है टू ब्रेक। समझने के लिए ये हम लोग समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन इज़ टू ब्रेक एंड इंटीग्रेशन इज़ टू ऐड। सपोज दिस इज़ अ पेन एंड आई ब्रेक इट इन फोर पीसेस। सो सपोज आई नीड इट बैक, सो what would I do? I would have to integrate it or sum it back। फिर से मुझे जोड़ना पड़ेगा इस टूटे हुए पेन को। तो differentiation क्या है? Differentiation is to break and integration is to add। तो differentiation का just उल्टा integration है। अगर हम लोग ऐसा सोचिए कि अगर किसी चीज़ से हम लोग x घटा रहे हैं तो integration में क्या x add करना हो गया, x add करेंगे। डिफरेंशिएशन को हम लोग किस तरह से दिखाते थे, डी बाई डी एस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। उसी तरह अगर उल्टा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एकदम जस्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। मतलब इंटीग्रल 2x का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि किसको हम लोग डिफरेंशिएट करें कि हमारा आंसर 2x आए। उसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डेरीवेटिव क्या आएगा, 2x। तो इंटीग्रल ऑफ 2x, इसका इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2x। किसको डिफरेंशिएट करें, किस हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x आया। तो किसको डिफरेंशिएट करें कि 2x आ जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे मुझे प्लस 3 लिखना चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखा। तो मैं इसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि c को डिफरेंशिएट करते हैं तो c का डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो इन डिफरेंट इंटीग्रल में हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये जो c है हमारा, दिस इज़ नथिंग बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे आता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x आया। तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो वही आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 3, लेकिन आंसर सिर्फ एक्स स्क्वायर आ रहा था। तो इसीलिए हम लोगों ने ऐड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी जो है एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी रहता है यहाँ पर। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x आता है। तो 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। सी कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, कुछ भी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मतलब ज्योमेट्री वाइज क्या ये बताता है। तो अगर देखा जाए, इनडिफिनिट इंटीग्रल गिव्स फैमिली ऑफ कर्व्स। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x है, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस सी ये क्या है एक्चुअल में, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर देखें तो ये पैराबोला है जो वर्टेक्स से, मतलब 0.0 से पार हो रहा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस सी देखें तो अगर c कुछ भी हो सकता है, c1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है। तो ये जो कर्व है कुछ ऐसा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब कर्व जो है ऊपर नीचे शिफ्ट करेगा। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या दे रहा है हमें, इनडिफिनिट इंटीग्रल गिव्स फैमिली ऑफ कर्व। एक्स स्क्वायर प्लस सी क्या है, ये फैमिली ऑफ कर्व है। एक्स स्क्वायर पैराबोला है और सी की वजह से बहुत सारे कर्व मिल रहे हैं। सी ऐड कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये वाला हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये नीचे आ गया। नाउ फ्रेंड्स, देर आर सम फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला है जो हमें रटना है इंटीग्रेशन में। एक्चुअली मैंने क्या बताया था,
इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा है। हम लोग डिफरेंशिएट करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एस टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स एस टू एन आता था। तो एक्स एस टू एन का इंटीग्रल क्या आएगा, ये वाला आएगा एक्स एस टू एन प्लस वन बाई डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट। इनडिफिनिट इंटीग्रल में कॉन्स्टेंट रहता है, याद रखिएगा। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया वन, तो वन वन डी एक्स या फिर डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। सिमिलरली साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारे फॉर्मूले, ये एन सी आर टी बुक है, एन सी आर टी में दे रखा है। तो ऐसे मतलब सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, मतलब ऐसे आपको अगर दिख जाए कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो टेन एक्स प्लस सी आप खटाक से लिख दो, या फिर ऐसा कुछ दिख जाए आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट ओवर वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिख जाना चाहिए या फिर साइन इनवर्स एक्स दिख जाना चाहिए, ये चीज़ आपको दिख जाना चाहिए खटाक से। याद करने की ज़रूरत नहीं है या, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आपको अगर डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया तो आपको माइनस कॉस कॉट इनवर्स एक्स या फिर टेन इनवर्स एक्स ऐसा एकदम दिमाग में तुरंत में आ जाना चाहिए। ये बेसिक फार्मूले हैं जो 15-16 फार्मूले दिए गए हैं एन सी आर टी में, ये बेसिक फार्मूले हैं जो हमेशा सबको याद रखने हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, वन बाई एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये आपका डेरिवेटिव है तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ रहा है इंटीग्रल तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से वन बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा एलेन एक्स, क्या है कि एलेन एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है। तो ये फार्मूले हैं 15-16 फार्मूले, सारे फार्मूले एकदम याद होने चाहिए, जबान पे होने चाहिए। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल। तो अगर किसी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करें और फिर से उसको डिफरेंशिएट करें तो हमको वही फंक्शन मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा हमें, एक्स रेज टू पावर 3/3, ये फॉर्मूला है एन सी आर टी में। एक्स टू द पावर एन का क्या होता है, एक्स एस टू एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, 2 + 1 3/3। तो इसको अगर हम लोग फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 3x² / 3, 3 कट जाएगा, वापस आंसर क्या मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर। तो मतलब पहले इंटीग्रेट करें फिर डिफरेंशिएट करें तो हमें वही फंक्शन मिलेगा। सिमिलरली ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मतलब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रल f(x) + g(x) dx, मतलब ये दो फंक्शन को इंटीग्रेट किया है तो इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रल f(x) + g(x) dx। सिमिलरली अगर कोई कांस्टेंट रहेगा फंक्शन के साथ तो हम लोग उस कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मैं दूँ, अगर ये ऐसा रहा इंटीग्रल x² + x^5 dx, अगर ऐसा रहा इंटीग्रेशन तो आप इसको ये लिख सकते हो, इंटीग्रल x² dx + x^5 dx, ये लिख सकते हो, बांट सकते हो। सिमिलरली अगर इंटीग्रल 3x² लिखा हुआ रहा तो 3 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है x² dx। ये कुछ प्रॉपर्टी, ये तो एकदम रटा हुआ होना चाहिए, क्या है कि ये दोनों प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी लगाई थी कि अगर कांस्टेंट रहेगा तो बाहर ले लेंगे, और ये जो है ये दोनों बढ़ जाता है डिफरेंशिएशन में। तो फ्रेंड्स आप इसे सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व होगा, ट्राई इट बाय योरसेल्फ फर्स्ट बाय पॉजिंग द वीडियोस नाउ। नाउ विल सी द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या है, इससे एक्स स्क्वायर बाहर ले लीजिए तो x बचेगा, यहाँ पर माइनस वन बचेगा, प्लस x - 1 / x - 1। अभी क्या, x माइनस वन दोनों में डिवाइड कर दीजिए तो इंटीग्रल x² + 1 ये बचेगा, दिस dx। तो इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, x² का x^3/3 हो जाएगा,
प्लस वन डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स। तो ये हो गया आपका आंसर, नहीं ये आंसर नहीं, प्लस सम कांस्टेंट, काहे कि इनडिफिनिट इंटीग्रल है, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2 माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, बस खाली ये ट्रिग्नोमेट्री में हमें डराने की कोशिश की और कुछ नहीं है इसमें। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन बाई कॉस टेन एक्स हो जाएगा और 1 बाई कॉस sec एक्स हो जाएगा। तो अब ये देखिए, 2 इससे बाहर ले लिया मैंने, sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स, इसे 3 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन टेन एक्स sec एक्स। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे आगे, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स ये स्टैंडर्ड होता है tan x का, माइनस sec x tan x का इंटीग्रेशन sec का होता है sec x tan x। तो माइनस 3 sec x प्लस सम कांस्टेंट, सो दिस इज द आंसर, 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c। तो दोस्तों ये एक और क्वेश्चन है, f डैश x दे रखा है 4x क्यूब माइनस 3 बाई एक्स रेस टू 4, 3 बाई एक्स रेस टू 4 और f ऑफ 2 दीजो दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है कि fx क्या होगा। तो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें fx मिल जाएगा, fx क्या हो जाएगा, 4 एक्स रेस टू 4 बाई 4 माइनस 3 एक्स रेस टू माइनस 4 हो जाता है ना, तो माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स एस टू माइनस 4, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, तो एक्स क्यूब हो जाएगा नीचे में बाई माइनस 3 डिवाइड करके। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा और ये 4 कट जाएगा प्लस सी। तो फंक्शन में क्या मिल गया, एक्स एस टू 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी, और हमें क्या दे रखा है, एफ ऑफ 2 दे रखा है 0। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एफ ऑफ टू क्या आएगा, 2 रेस टू पावर 4 प्लस 1 बाई 2 रेस टू पावर 3 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू यहाँ से सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स रेस टू 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस जो भी सी की वैल्यू होगी। तो दोस्तों ये था इनडिफिनिट इंटीग्रल, बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन फार्मूले इसमें याद रखने हैं हमें, जितना ज़्यादा फार्मूला याद रखेंगे, ऐसे ऐसा नहीं कि सारे फार्मूले को एकदम आँख बंद किया लिख दिया, वैसा भी याद नहीं, लेकिन अगर आपके सामने कोई फार्मूला आ गया लाइक 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको तुरंत में याद आ जाएंगे, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स, उसी तरह sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, sec x होना चाहिए। तो इस तरीके से सारे फार्मूले याद होने चाहिए, तभी इंटीग्रेशन का सम सॉल्व होते जाएगा। और इंटीग्रेशन में कुछ करना ही नहीं है, बस देखना है और फॉर्मूला पे बिठाते जाना। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।